पौंड जिले के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा भोगपुर स्थित अपने रिसोर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचा। एक महिला सहित तीन लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिसोर्ट में छानबीन की। मीडिया मौके पर पहुंची तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेट कर मीडिया के सवालों से बचते हुए कार में बैठकर बैरंग भाग निकला। यह घटना फैक्ट्री पर तैनात पुलिस की मौजूदगी में हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित कैंडी फैक्ट्री और बनंतरा रिसोर्ट हत्याकांड के बाद से पुलिस की सुरक्षा में है। तो 24 घंटे पुलिस और पीएससी रिसोर्ट और फैक्ट्री की निगरानी कर रही है। अंकिता हत्याकांड केस कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में रिसोर्ट में मौजूद पुलिस द्वारा विनोद आर्य को अंदर जाने से नहीं रोका जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि विनोद आर्य के पास फैक्ट्री और रिसोर्ट के अंदर जाने के किसी प्रकार की पुलिस और कोर्ट से कोई परमिशन भी नहीं थी। ऐसे में चोरी छिपे फैक्ट्री और रिसोर्ट में करीब 2.5 से 3 घंटे तक विनोद आर्य ने क्या छानबीन की, यह गंभीर सवाल खड़ा होता है। पुलिस भगवान सिंह की रिपोर्ट। मैं बार बार कहती रही हूं कि अंकिता भंडारी मामले में किस तरह की कोताही बरती जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उनकी पुलिस के सामने आज वनंतरा रिजॉर्ट में फिर से विनोद आर्य को जाते हुए देखा गया। वो अंदर गया, वहां से वापस आया। विनोद आर्य कौन? जिसके बेटे पुलकित आर्य पर आरोप है अंकिता भंडारी की हत्या का, और उसके साथ जो लोग हैं वो आज जेल में हैं। मगर मैं बार बार कह रही हूँ कि साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होंगी, और साक्ष्य मिटाने की कोशिश दोबारा और तिबारा और चौबारा हो रही है।